भुवनेश्वर रे फिटनेस आइकन तथा मिस्टर वर्ल्ड अनुज तालिया एक घरोई कार्यक्रम रे जोग देबाकु से भुवनेश्वर रे आसी पहुंचिछंती तबे आम सहित जोड़ी होइछंती अधिक आलोचना करबा। सर वेलकम टू ओडिशा एंड वेलकम टू अर्गस न्यूज आल्सो। सर क्या कहेंगे, पहले तो जानना चाहिए एक आदमी के लिए या औरत के लिए सर सुस्थ जीवन के लिए सेहत कितना ज़्यादा गुरुत्व है? देखो आजकल सब लोग पैसे के पीछे पागल है, पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन हेल्थ अगर हमारी ठीक नहीं है तो वो पैसा हमारे किस काम का। तो सबसे पहले तो हमारी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अभी कितना भी पैसा कमाओ, अगर बाय चांस हमको कुछ हो गया तो पूरा इधर ही रखा रह जाएगा, कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है। तो हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और हेल्थ के लिए मैं एक बोलना चाहूँगा, जैसे कि मैं भाई अभी जीरे फिटनेस की ओपनिंग के लिए आया हूँ, तो एक कम से कम दिन में एक घंटा हेल्थ के लिए ज़रूर निकालो, एक घंटा जिम को ज़रूर दो, उसमें चाहे अपना आप कार्डियो करो चाहे मसल वर्कआउट करो, लेकिन एक घंटा अपने 24 घंटे में से एक घंटा देने में कुछ कम नहीं होता है और हम अपने आप को फिट रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। कुछ लोग नेचुरल चीज़ वगैरह लेके अपना बॉडी बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि प्रोटीन पाउडर स्टेरॉइड फेरॉइड वगैरह लेके बॉडी बनाते हैं। सर क्या कहेंगे जो भी मतलब यूथ आइकन जो लोग हैं अभी तो फिटनेस के बारे में सब फिटनेस के पीछे पड़े हैं? यस यस, देखो लोगों का मकसद एक ही रह गया कि हमको बॉडी बनानी है, चाहे कैसे भी बनो, लेकिन वो देखना चाहिए बॉडी बनाने वाले को कि हमारा टारगेट क्या है। जब तक हम अपना कोई टारगेट नहीं रखेंगे तो हम करेंगे क्या लाइफ में, जब हमारा हमको यही नहीं पता कि हमको जाना कहाँ है तो फिर इधर इधर घूमते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो पहले अपना टारगेट रखो। मैं अभी भी बताया था, अगर जो फिटनेस करने वाले लोग हैं जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, कोई गेम नहीं करते हैं, सिर्फ खाली फिटनेस के लिए जिम करते हैं, तो उनको गलत सेवन मेडिसिन का सेवन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं मानता हूँ अगर उस चीज़ का सेवन करना है, खिलाड़ी लोग फिर भी थोड़ा ले लेते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लेते नहीं, लेकिन वे लेते हैं तो वे प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से लेते हैं, कौन सी चीज़ कब तक लेनी है, कितना उसका ड्यूरेशन है और कब कब लेनी है, एक अच्छे कोच की निगरानी में लेते हैं ताकि बॉडी को उसका नुकसान ना हो और वो टाइम से बॉडी में से आउट हो सके। फिटनेस को लेकर कोई कैरियर करना चाहता है तो कैरियर कैसे कर पाएगा? देखो फिट, आपने वो क्वेश्चन पहले भी पूछा था लेकिन उसका सही जवाब आपको नहीं मिला था, मैं सोचा था कि आपको बताऊं। देखो फिटनेस को लेकर कैरियर के ऊपर बात कर रहे हो आप, ताकि उसको हम कुछ जॉब दे सकें, कुछ उसको उसकी इनकम के लिए कुछ प्रोवाइड कर सकें। तो देखो फिटनेस को लेकर कैरियर 100% बनता है। अगर किसी दूसरे का एग्जाम्पल मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अपनी फिटनेस को लेकर ही मुझे इंडियन आर्मी ने चूज़ किया था। मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी तब मैं बॉडी बिल्डिंग गेम से इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी, मैं नॉर्मल भर्ती नहीं हुआ था, मैं स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी ज्वाइन की थी मद्रास इंजीनियर ग्रुप, और अभी भी इंडियन आर्मी में कार्यरत हूँ और अभी तो काफ़ी टाइम बचा हुआ है। तो अगर कोई भी खिलाड़ी नेशनल नहीं तो इंटरनेशनल, अगर नेशनल में भी मेडल लेता है तो उसका आर्मी नेवी एयरफोर्स रेलवे CISF इनकम टैक्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसके सामने है, उसको जॉब मिलती है। सर और एक बात, जो प्रोसीजर है ओलंपिया है अमेचूर ओलंपिया है उसका प्रोसीजर थोड़ा बताएं। देखो अभी मैं इंडिया खेल लिया, एशिया खेल लिया, वर्ल्ड चैम्पियन बन गया, लेकिन अभी मेरा और भी रास्ता बाकी है। जैसे कि ये प्रोसीजर की बात कर रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारे इंडिया में अभी ऑर्गेनाइज होने लगा है इवेंट, काफ़ी सालों से ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो हमको पहले प्रो कार्ड लेना पड़ता है। हम नेशनल इंटरनेशनल खेल लिए लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हमको प्रो कार्ड लेना पड़ेगा। वो प्रो कार्ड लेने के बाद में फिर और भी इंटरनेशनल इवेंट आएंगे जिनमें हम प्रो शो खेलेंगे, उसमें ओनली प्रो कार्ड होल्डर्स ही रहते हैं, फिर हम उस इवेंट को विन करेंगे तो तब हमको चांस मिलेगा आर्नोल्ड क्लासिक खेलने का और ओलंपिया में जाने का। क्या वार्ता देना चाहेंगे जो फिलहाल चाहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग से कैरियर करना कैरियर करेंगे? देखो यूथ के लिए यही बोलूँगा भाई, देखो अपनी नशीले पदार्थ से दूर रहो और अपनी इतना कीमती शरीर है हमारा,
वक्त भी बहुत कीमती है और हमारी हेल्थ भी बहुत कीमती है, इसको नुकसान मत पहुंचाओ, गलत चीज़ों से दूर होकर अपनी फिटनेस पर ध्यान दो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बॉडी बिल्डिंग ही करो या जिम ही करो, लेकिन कोई भी गेम करो, अगर अपने आप का फ्यूचर देखना है और कुछ सोर्स ऑफ इनकम बनानी है तो कुछ भी गेम करो, एथलेटिक करो, पावर लिफ्टिंग करो, बॉडी बिल्डिंग करो, कुछ भी करो, सभी में गेम से सभी में फ्यूचर है, सभी में जॉब के बहुत अच्छे चांस है। तो यूथ गलत चीज़ों से दूर होकर अपने गेम पर फोकस करे, कुछ भी गेम करे, सबसे पहले तो हमारी हेल्थ एकदम अच्छी रहेगी और फिर हमको अपने आप को और अपनी फैमिली को चलाने के लिए इनकम मिल जाएगी और अपना टारगेट भी हासिल कर सकते हैं, एक अच्छा डिसिप्लिन मिल जाएगा। थैंक यू सर। और एक बात पूछना था, उड़ीसा एंड उड़ीसा के लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो उड़ीसा काफ़ी अच्छा सिटी है यार, मतलब यहाँ पर मैं देख रहा था कि पूरा ग्रीन जो सिटी हरा भरा है, आजकल तो अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की भी वही है, सब जगह पेड़ पौधे लगे रहने चाहिए। और एक दिन हमारा प्लांटेशन के लिए एक दिन है कि उसमें सभी पेड़ पौधे लगाते हैं, तो ये ऑलरेडी इतना भरा हुआ है और ये ईश्वर का सिटी है, भूमि का ईश्वर, ठीक है। तो ये उड़ीसा में आकर बहुत प्यार मिला, इतने सारे लोग फेडरेशन से जुड़े हुए, चाहे वो मार्शल आर्ट से हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग से हो, चाहे पावर लिफ्टिंग से हो, इतने सारे लोगों ने प्यार दिया और मेरा सम्मान किया और यहाँ पर मिलने के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। आपके न्यूज़ चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आर्गस न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुझे आप लोगों ने इंटरव्यू देने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्युएबल टाइम। निहत भाव आम सहित थे फिटनेस आइकन तथा मिस्टर वर्ल्ड अनुज तालिया, जो भाव आम आलोचना करूँ गोटे कथा कहते कि जदि तुम्हें बॉडी बिल्डिंग को नहीं क्यारिययर करने को चाहूँ तेज तुम्हें क्यारिययर कर सहित यही बॉडी बिल्डिंग ही तुमको सहायक हम विभिन्न स्थान में जब पाइबापी सहित जो युवक मैंने चाहूँ ए लाइन में क्यारिययर करने विशेषकर नेचुराल वे से निजक बॉडी को ग्रोथ करूँ ता सहित स्टेरॉइड कथा कह कि निशा द्रव्य जो गुड़िक रोचे एवं इंजेक्शन एगुड़िकर सेवन न करने से परामर्श देते। भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन देवेंद्र सुशांत साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।